लकड़ी का पुल अभी MGBS भी छोड़ दिए, अभी फिलहाल बता रहा आरामगढ़ भाई। टाइम तो 13 का है एग्जिट, और इन्हें टूर देखो तेरे को से भी एंगल से बिरयानी नहीं देख रहे आप ना जुगाते कहते हो जान दो। चलो ठीक है, अभी दोपहर में लंच में 10 मिनट्स और डिनर को 20 मिनट्स। चलो जो भी है, यूट्यूब है, तुम्हारे यूट्यूब पे ड्राइविंग। अभी मैं और प्रणीति खाने वाले हैं ढूंढू चिकन, थोड़ा स्पाइसी में बोल रहे, पेट खराब हुआ तो अपने पास टैबलेट भी लेके आने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम आदाब, खुशामदीद, सुस्वागतम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल SR Star। दिस इज़ रहीम। आज है आई थिंक वेनसडे, हाँ वेनसडे ही है, वेनसडे थर्सडे आज थर्सडे है 2nd of November। तो अभी मैं निकलने वाला हूँ, छोटा सा ट्रैवल है, अभी बैंगलोर के लिए स्टार्ट हो रहा हूँ। एक ऑफिशियल टूर है और एक ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के पर्पज़ के सिलसिले में मुझे बैंगलोर जाना है, यशवंतपुर पीनिया। तो अभी सब चीज़ें तो कम्प्लीट हो गई है, पहले ट्रेन का सोचे थे बट ट्रेन के टिकट्स नहीं मिलने की वजह से समझ में नहीं आया। वंदे भारत से जाना सोचे बट वंदे भारत भी बहुत जल्दी सुबह में थी, तो अभी बस तो बुक कर ली है, मर्सिडीज़ बेंज का TSRTC का बस है। ट्रेन का तो सोचे थे वंदे भारत से जाने का, बट वंदे भारत काफ़ी सुबह रहने की वजह से उसका प्लान कैंसिल हो गया। अभी हमारे साथ के जो कॉलिग्स थे सब बोल रहे थे भाई आराम से रहेंगे, तो उसकी वजह से हमने बस बुक की है। अभी बस का टाइम है 10:45 या 11 के आसपास है कुछ, मेरे ख्याल से कुकरपल्ली निज़ामपेट से स्टार्ट होने वाली है, और यहाँ पर लकड़ी का पुल आएंगी मेरे ख्याल से कुछ 11:30 या 12 के करीब। तो पहले मेरा 11:45 को लकड़ी का पुल जाने का प्लान था, बट बस वापस अफजलगंज CBS होके इमलीवन होके शिवरामपल्ली की रोड से होते हुए आपको आरामघर चौरस्ते पर आ रही, तो मैं सोचा हूँ यहाँ से सीधा आरामघर ही चले जाएंगे, क्योंकि 12:30 1 के करीब वहाँ पर आएगी, मेरे को थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा और रास्ता भी कट जाएगा, और वहाँ से डायरेक्ट हम लोग एग्ज़िट ले लेंगे तो डायरेक्ट हाईवे पकड़ लेंगे, तो बेटर है। अभी सब मेरी तैयारियाँ चल रही थी, अभी पैकिंग हो रही है, अभी यहाँ पर सब चीज़ें, अभी कपड़े वगैरह तो रख लिए, और ये चार्जिंग है GoPro वगैरह सबकी चार्जिंग चल रही है, बाकी चीज़ें हैं बैटरीज उसके चार्ज हो रहे हैं, फ़ोन भी चार्ज करना है, बैग भी पैक हो गया, अब खाली एक लास्ट चीज़ ब्लेज़र रखना है। तो ये सब सारी चीज़ें पैकिंग ख़त्म करते हैं, अभी वीडियो बनाने में रहूँगा तो फिर पैकिंग भूल जाऊँगा, इसलिए पहले जितने काम की चीज़ें हैं पहले फिनिश करते हैं और उसके बाद पैकिंग करके इंशाल्लाह निकलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी को। चलिए भाई, अपने बैग तो अभी फ़िलहाल रेडी हो गए, कपड़े वगैरह पैक हो गए, जितने गैजेट्स वगैरह जो चीज़ें थे, फाइल डॉक्यूमेंट्स और सब ले लिए। अभी हो रहे 11:15, तो अब जो आरामगढ़ का जो टाइम बता रहा है तकरीबन 1 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास यहाँ पर बस रहने वाली है। तो चलिए 15-20 मिनट के बाद से हमारी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी मैं स्टार्ट हो गया, अभी आई थिंक मेरे ख्याल से बस कहाँ पर है, देखिए ये टेलीफोन भवन, अभी लकड़ी का पुल है, GPS आरामगढ़, जो अपना टाइम बता रहा 12:30 का बता रहा। तो जैसा कि आपने देखा अभी 12:30 के आसपास अपनी जो बस है वहाँ पे पहुँचने वाली आरामगढ़ पे, अभी मैं ले लिया हूँ ऐटो, और जो मेरे कलीग है भैरव और परिणीति वहाँ से स्टार्ट हो गए अभी निज़ामपेट से, तो हम सब तीनों अभी मिलेंगे आरामगढ़ पर। चलिए अपनी जर्नी को तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से मैं ये बैंगलोर जो है 2015 से 2017 जब मैं फोक्सवैगन के साथ वर्क करता था, तो जब काफ़ी मरतबा मेरा जाना हुआ था, उसके बाद अब जो हो रहा है मेरा तकरीबन 23 मतलब 5 से 6 साल के बाद मैं जा रहा हूँ। अभी मैं हूँ आरामगढ़ जो TSRTC का बस स्टॉप है, यहाँ पे जो TSRTC के वॉल्वो बेंज रहते हैं वो यहीं पे रुकते हैं, और आगे परिवार ढाबा बोल के थोड़ा आगे गए तो आपको प्राइवेट के वॉल्वो और ये जो लग्जरी बसेस रहते हैं प्रीमियम लग्जरी बसेस, तो वो आगे रुकते हैं। अभी फिलहाल अपने यहाँ पे वेट कर रहा है, आई थिंक इनका बोलना है कि बस अभी फ्री तो 12:30 तक आ जाती, नहीं फ्री तो 1:15 के करीब आएंगे। अभी हो रहे 2:30, अभी थोड़ी देर वेट कर लेते हैं और बस का आने का इंतज़ार करते हैं। चलिए बस आने में तो टाइम है, जब तक अपन
कुछ स्टार्टर में ले लेंगे, बटाने और मूंगफली, गरम गरम मूंगफली है भाई। चलो भाई 70 ने देखो, पानी की बोतल तो ले ली थी इन्होंने, एडिशनल एक दी थी अपने को। प्राइवेट से कंपेयर टू इसमें ये एक अच्छा बेनिफिट हो जा रहा है अपने को, एक स्नैक्स वाटर बोतल दी इन्होंने छोटा, क्या स्नैक है देखना, मिलेट स्नैक पैक, MGPS का ही फोटो दिख रहा है इस पर, रागी का बिस्किट है आई थिंक, और उसके बाद कुछ चिक्की है, और ये स्नैक्स है, और अंदर ही टिश्यू पेपर डाल के दे दिए भाई। फिलहाल अभी हम रुके वाले जटचरला पे, जटचरला पे यहाँ पे लंच करना है, और ये सामने मेनू है इडली वड़ा सांभर टोमेटो राइस जीरा राइस सब चीज़ें। अब फाइनल दूसरा कुछ नहीं सोचे, वेज बिरयानी खाने का मूड है, क्योंकि हमारे बैरो भाई नॉन वेज नहीं खाते, और ये आई थिंक प्योर वेज रेस्टोरेंट है। तो चलो अभी जो वेज बिरयानी आ रही है उसके लिए वेट करते हैं और बिरयानी खाते हैं। देखिए अभी जो स्टार्टिंग में मेरे साथ में मेरे कलीग है भैरव है और प्रणीति है, तो ये दोनों भी मेरे साथ अभी जर्नी में ये ट्रैवल कर रहे हैं। तो भाई ये अभी हम लोगों का बिरयानी है वेज बिरयानी, और उसके साथ रायता करी। अब फर्स्ट जो बिरयानी था प्रणीति ने चेक करके बोला अच्छा है, अब देखते टेस्ट अच्छा है कि मेरे को देने को से भी एंगल से बिरयानी नहीं देख रहे भैरव अच्छी है नहीं ये ठीक है चलो हैदराबाद के बाहर नहीं मिलने वाली, वही समझ के खा लो। स्टॉप कर लेते हैं जा रहे हैं। अभी जटचरला पे लिए क्या भाई, अभी जो हमने होल्डिंग करे थे और उसके साथ जो हमारा लंच हो गया, तो अब ये हुआ जटचरला में, अभी जटचरला फ्लाईओवर के पास ही, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट स्टॉप होगा करनूल पे, आई थिंक मेरे ख्याल से अराउंड 7-8 बजे के करीब में होगा करनूल पे। 5 बजे रहता है करनूल। डिनर को कहाँ रुकाते बागापल्ली पे। अच्छा वहाँ पे रुकाते हैं, तो डिनर बागापल्ली पे कितना 8 बजे 8 o'clock तो डिनर के वास्ते जब रुका, जब कितनी देर रुका, जब भी 10 मिनट रुकाते हैं। अरे 20 मिनट इतना जल्दी गई, कुछ आधा घंटा तो कर हाफ एन आवर ही रुकाते कहते हो जान दो। चलो ठीक है, अभी दोपहर में लंच में 10 मिनट्स और डिनर को 20 मिनट्स, चलो जो भी है। अभी देखो जो हमारे को यहाँ पे लंच का टाइम दिए वो 10 मिनट्स का दिए थे, लंच हो गया, बिरयानी खा लिए जटचरला पे, अब इसके बाद वो डिनर कहाँ बोलिए स्टेशन का नाम, आओ डिनर स्टेशन कोटकुंडा चेक पोस्ट पे अपना डिनर रहेगा 9 o'clock, और एक करनूल पे भी एक 10 मिनट्स का हॉल्ट रहेगा, जो लगभग हम 5 बजे के आसपास पहुंचेंगे करनूल पे 5 बजे, और रात में 9 o'clock डिनर रहेगा अपना कोटकुंडा चेक पोस्ट पे, थोड़ा एक नियर अबाउट हम बेंगलोर से 100 किलोमीटर ही रहेंगे वहाँ से, अभी तक तो सब हम टाइम पे चल रहे हैं, चलो देखेंगे आगे का सफ़र कैसा रहता। हमारा ड्राइवर साहब ले बशीर कर रहा खाली।
यहाँ बैठ के यूट्यूब है तुम्हारे यूट्यूब पे ड्राइविंग चला रहे हो क्या ऑटोमेटिक है क्या अभी तो 50 सीटर है क्या अभी देखो हम जो बस से ट्रैवल कर रही है स्कैनिया का 50 सीटर है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सेम मर्क के लाइक वहाँ पे जॉयस्टिक है आपको राइट में जॉयस्टिक से आप रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव सब चेंज कर सकते हैं आराम से कार चला जैसा है इतना बड़ा बस है बट कार के जैसा स्मूथ फील है एकदम भाई अभी अपने को कर्नूल सिटी पे एक स्टॉप है कर्नूल सिटी पे वहाँ पे 10 मिनट्स का और सेम ब्रेक रहने वाला चाय ब्रेक रहने वाला फिर उसके बाद कोल्लू क्या है कोल्टुलू कोल्लू नहीं बागेपल्ली नहीं एक तो चेक पोस्ट है ना वो कर्नूल के बाद आता और क्या तो भी नाम है जो मैं देखा तो कोटू कोल्लू कुछ चेक पोस्ट है वहाँ पे डिनर रहेगा 9:00 मिनट्स का डिनर 10 मिनट का लंच है उसके बाद 20 मिनट का डिनर है आई लाइट भाई आज हम लोगों का गुड लक बहुत अच्छा है पूरा बस खाली है ऑलमोस्ट देखो मेरे पीछे भी देखो आप पूरा की पूरा खाली है सब एक सीट पे दो दो लोग आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं सॉरी दो सीट पे एक एक आदमी बैठ के एंजॉय कर रहा है देखो मैं भी आराम से मेरे पास की भी खाली है मैं भी अकेला बैठा लूँ यहाँ पे आराम से इंजॉय कर रहे लेकिन हमारे थोड़ा ड्राइवर साहब बहुत स्ट्रिक मिले उन्होंने रुका रही नहीं गाड़ी सिर्फ लंच के लिए 10 मिनट्स रुकाते बोल रहे हैं और डिनर के लिए 20 मिनट्स अब 10-20 मिनट्स में क्या खाना समझ में नहीं आ रहा मेनू देखने में 10 मिनट्स हो गए हमारे को वहाँ पे चलो अब देखेंगे ये अच्छा सहूलत हो गई भाई यहाँ पे एयरफोन रख ली GoPro सब सामान आराम से अभी हो रहे 6:37 और हम कर्नूल सिटी क्रॉस करने के बाद उसके आगे एक तकरीबन एक आई थिंक मेरे ख्याल से 70-80 किलोमीटर्स है आगे लेकिन हमारे ड्राइवर साहब बखश रहे ही नहीं भाई खाली चलाते जा रहे अभी रुके तो अभी क्या बोल रहे 5 मिनट का ब्रेक का दे खाली 5 मिनट 10 मिनट का दे रहे 5-10 मिनट में तो शूज़ पहन के सब सामान लेके आए थे 5-10 मिनट यूज हो जा रहे अभी ना बोले 5 मिनट के ब्रेक में क्या करके आने का कर गया चलो अभी वॉशरूम का है पहले वॉशरूम फिनिश करेंगे जो हम चल रहे हैं ये हमारे सामने स्कैनिया का आई थिंक मेरे ख्याल से 9 लीटर जो 6 सिलेंडर इंजन में आता है 8 स्पीड इसमें कुछ गियर बॉक्स है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन काफ़ी अच्छी गाड़ी है सस्पेंशन भी कुछ ए सस्पेंशन है आई थिंक मैं थोड़ा बहुत इसका टेक्निकल स्टडी किया था काफ़ी अच्छी गाड़ी है और ड्राइव भी बहुत कंफर्ट है अभी फ़िलहाल पीएंगे अपन यहाँ पे चाय उन्हें बैठ गया देख भाई उन्हें स्टेयरिंग पे ही बैठ गया अभी जाके स्कैन है अच्छा रहता ये अपना ग्रुप है ना फोक्सवैगन ग्रुप में जाना अच्छा जा रहा खाली झटका मार रहा है ना खाली सडन ब्रेक का गाड़ी गियर बॉक्स अच्छा है कुछ भी लैग हो जाती है मस्त उठ रहा गाड़ी बोलते जा रहा अरे वो 9 लीटर इंजन है चलिए भाई अपनी कॉफ़ी हो गई अभी हमारे यहाँ से ड्राइवर साहब चेंज हो गए 7:45 कब तुम चला रहे यहाँ से हम यहाँ से पूरा बेंगलुरु तक चलो 250 कितना 250 अब यहाँ से पूरा अब यहाँ से अब डिनर को अब 100 किलोमीटर के बाद रोकते के 150 के बाद रोकते बॉर्डर पे अरे वो कुछ तो भी चेक पोस्ट बोल के आता जी कोट गुरु चेक पोस्ट है वो चेक पोस्ट को रोकते ना अरे मजा आ रहा था मैं थोड़ी देर बैठ के गया
अब हमारे देखो ये ओल्ड ड्राइवर साहब तो इन्होंने यहाँ तक भगा तक लाए 7 o'clock तक, अब यहाँ से इन्होंने चलाने लगे 250 किलोमीटर अभी नए। चलो साहब वो बटन भी डाले तो ऊपर नहीं आ रहा जी लाइट, सीट ओपन करो जी इसको, ओपन करो खींचो बैठो, लेकिन ऐसा पैर रख के बैठना नहीं तो सामने जाता यहाँ बैठे तो टाइम निकल जाता है, ये अच्छा है यहाँ बैठे टाइम निकल जाता। और ड्राइवर साहब इसको कितना 4-4-5 का माइलेज आता, 4-5 माइलेज 3 आता, 80-90 का पिलो, कितना 120 अच्छा 70-80 पे माइलेज अच्छा था, कितना 500 लीटर बैठता टैंक, 600 लीटर सर, अच्छा 600 लीटर फुल टैंक। भाई अभी हम लोग है आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर, जस्ट आई थिंक अनंतपुर कुछ क्रॉस हुआ और उसके बाद अभी यहाँ पर ये होटल गंगोत्री यहाँ पर डिनर के लिए रुका है। डिनर के लिए हमारे को हमेशा के जैसा 15 मिनट में डिनर देखो बोल रहे, 15 मिनट में डिनर देखते कि खाना खाते, ये है मेन चैलेंज। चलो अंदर जाके तो देखेंगे क्या है। भाई देखिए अभी टाइम हो रहा है 9:40, रात के 9:45 हो रहे हैं और यहाँ से अभी जो बैंगलोर दिखा रहा है 6 किलोमीटर, अभी जो हमारा लोकेशन है कुडीकोंडा यहाँ पे गंगोत्री रेस्टोरेंट पर है। अभी मैं और प्रनीति खाने वाले हैं, क्या है ढूंढूर चिकन, थोड़ा स्पाइसी में बोल रहे, पेट खराब हुआ तो अपने पास टांगर भी लेके आने वाला हूँ भाई। चलो देखी के यहाँ का स्पेशल गुंटूर चिकन खाने वाले हैं और हमारा घर हमेशा की तरह वेज खाएंगे दाल तड़का। चलिए अभी ऑर्डर तो पनीर है, देखो पनीर बोल दिया, अच्छा तो भैरों के लिए पनीर ऑर्डर कर दिए और मैं खाने वाला हूँ, मेरा पनीर खाएंगे हम चिकन, चलो देखेंगे जो है एक 2 घंटे का जो हुआ भी तो देखिए हमारा स्टाइल में गुंटूर चिकन थोड़ा स्पाइसी में, ड्राइवर साहब रुक रहे ही नहीं। होटल गंगोत्री अच्छा फूड है और खास बात हलाल फूड है, स्पेशली लिख के भी लगा हलाल फूड बन के, और हमारे बस के ड्राइवर साहब रुक रहे ही नहीं, खाली आओ आओ बोल रहे हैं कभी भी, हमारे अभी सुना ना कहाँ गए खाने, आ गए आ गए आ गए सब हो गए, फोन कर लो आने का है, एक मिनट उनको जाने का, तो भाई फाइनली अभी पहुंच गए और पहुंचते हो गए 12:30। मैं निकला था घर से 12 बजे, 1 बजे कुछ बस आई आराम घर पर, फिर आराम घर से 1 बजे निकले और तकरीबन यहाँ पर जब पहुँचे थे हम 11 बजे पहुँच गए थे, तो
अच्छा फास्ट ही ला लिया समझो 10 से 11 घंटे में, अच्छा फास्ट ही है। अब सुकून इतमान से पहुंच गए, काफ़ी रात हो गई और ये रहा हमारा बेडरूम। अभी यहाँ पर दो बेड है, एसी तो ऑन कर लिए, ज़रा थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद आराम से सो जाएंगे। फिर सुबह उठ के भी हम लोगों को जल्दी से जाना पड़ेगा, 8 बजे ही हम लोगों को लॉग इन रहेगा। तो अभी फ़िलहाल इस वीडियो को और इस आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए टेक केयर, ऑलवेज वेयर द हेलमेट, ऑलवेज वेयर द सीट बेल्ट, ड्राइव सेफली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।